हेलो वीवर्स, ये है टर्टिल वाइन और ये हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसे लगाना भी बेहद आसान है। और ये कटिंग के ज़रिए हम इसे लगाते हैं, देख रहे हैं इसकी कटिंग लेकर यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं, हम इसे यहाँ से तोड़ लेंगे और इसकी कटिंग लगा दें तो ये आसानी से लग जाती है। और ये इसमें फूल भी आते हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और फूल के ज़रिए जो सीड गिरती है सूखने के बाद, वो भी ग्रो हो जाती है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल हेल्दी सेहतमंद जिसको कहिए, सॉरी अब ठीक आ रहा है, ये छोटा सा पेड़ देख रहे हैं जो सीड के ज़रिए ही आया है इसमें। ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे पेड़, ये अब कुछ बड़े हो गए हैं, बहुत सारे इसमें सीड आए हैं, दिख रहा है आपको, ये सब सीड के ज़रिए ही उगे हैं। जितने भी देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट टर्टिल वाइन के, ये सीड के ज़रिए ग्रो हुआ है, बहुत सारा इसमें आ गया है, इसकी मिट्टी में शायद मिला होगा। और मैंने इसे लगाया है एक छोटे से ट्रे में, ये देखिए जिसकी बेल नीचे तक आई है, देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मज़े की बात है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें कोई लगाने में हमें कुछ मेहनत नहीं है, बस आसानी से लगा लें। और ये हैंगिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन पौधा है, बहुत जल्दी कवर कर लेता है पॉट को, अगर कोई बास्केट में लगाए, कोई भी पॉट में लगाए तो बहुत जल्द कवर कर लेगा, फैल जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा लगाया था और अब देख रहे हैं घना हो गया ये। और ये मैं ये भी आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल छोटी सी ट्रे है, ये सिर्फ देख रहे हैं इतना सा, बस एक इंच की गहराई है इसकी, बिल्कुल एक इंच की गहराई है ये देखिए इतनी सी गहराई है इसकी। और मैंने बस इसमें थोड़ी सी मिट्टी रख के बस देखिए ऐसे ही लगा दिया है, देख रहे हैं ना कितना छोटा सा इसका, बस ये ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है, एक इंच गहरा है और ये 8-9 इंच का चौड़ा होगा, लंबाई होगी इसकी। और मैं आपको और दिखा दूँ, मेरे बालकनी में टब ने घोंसला लगाया है, उसके दो बच्चे भी आए हैं इसमें, मैं इसकी भी वीडियो बनाई हूँ और मैं आपको इसमें भी दिखा दे रही हूँ। देखिए अभी मैंने उसे ज़बरदस्ती उसे हटाया यहाँ से, तोड़ के गई है, ये बहुत ही खूबसूरत अद्भुत अमेजिंग, देख रहे हैं छोटे छोटे दो बच्चे हैं डब के, बहुत ही नन्हे हैं, एक कल निकला है और एक आज, माँ इसकी वेट कर रही होगी इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी सकना भी है, हट जाना यहाँ से। ये देखिए ये हमारे बालकनी का फूल उर्गुल हिबिस्कस का,
ये ओलियंडर की कटिंग लगाया था जिसमें पत्तियां आ गई हैं। छोटे छोटे मटर के पेड़ हैं। यहाँ भी देख रहे हैं टर्टल वाइन लगी हुई है, देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये जो लंबी लंबी सी डालियाँ निकल गई हैं इसकी, इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें हमारा एस्पायरेगस का प्लांट है और ये इसमें कीड़े लग गए थे तो इसके सारे पत्ते झड़ गए, देख रहे हैं अभी इसमें फिर से नई पत्तियाँ आ रही हैं इनकी। पत्तियाँ आ रही हैं इसकी, इसमें बहुत कीड़े लगते हैं। और ये हमारा आलमंडा का वाइन है, इसमें बहुत फ्लावरिंग हो रही है इन दिनों। ये नन्हे नन्हे से इसके फ्लावर हैं, देखिए बहुत ही छोटे छोटे से हैं। ये देखिए दिख रहा है अभी, अब साफ नजर आ रहा है। छोटा छोटा सा इसका बहुत ही छोटा फ्लावर है। और इसकी भी डालियाँ नीचे तक आई हैं, इसकी देख रहे हैं नीचे तक आ गई हैं ये। और इसे लगाना बेहद आसान है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं करना बस ये है कि एक छोटा सा कोई पॉट ले लें आप, या हैंगिंग बास्केट ले लें, या फिर आप कोई रखा हुआ ट्रे है, कोई भी पॉट है, बस उसे ले लें। देखिए ना धनिया का पत्ता सब निकल रहा है इसमें। मैं इसको हम बोलेंगे थोड़ा सा तुम बाली भी लोग हाँ, अभी इसको थोड़ा सा बाली रखोगे इसमें हम बोलेंगे तो हम रखें। हम अभी मैं ये ट्रे ले रही हूँ, देख रहे हैं टूटा ही हुआ ये बिल्कुल, बस इसमें मिट्टी आपको रखनी है ऐसे डालो इसमें। जैसे मैंने मिट्टी ले ली है, इसमें थोड़ी सी
और ये रेत वाला है और इसमें थोड़ी सॉइल मिलाना है, क्योंकि कंपोस्ट वाली सॉइल मिला ली तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सादा सॉइल भी रहेगा तो ठीक है चलेगी। बस ऐसे मिट्टी इस पर रख लेना है, जमा देना है और इसकी कटिंग लाकर, जैसे वो वाइन है, वाइन की मैंने बताया ना जहाँ से इसमें रूट निकली होती है जगह जगह से, तो उसे उसे आप तोड़ लें, दो चार ज़्यादा तोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अगर ढेर सारी लगाएंगे वाइन इस पर तो वो जल्दी आपकी इसमें कवर कर जाएगी, ढक जाएगी ये पूरा ट्रे। आप जगह जगह से इसमें ऐसे लगा दें वाइन्स, चार पांच मुझे नहीं लगाना है इसलिए कि मेरे पास ऑलरेडी दो दो जगह है, नीचे भी निकल गया है, मैंने आपको अभी दिखाया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे इसमें से डाल दें, इधर से डाल दें, मतलब आप पाँच छः सात आठ जितने भी ज़्यादा डालेंगे वो उतना जल्दी कवर करेगा, तो आप इसमें डालें और फिर पानी इस पर डाल दें और फिर ये बहुत जल्द पूरा कवर कर लेगा। तो ऐसे लगाएं आप टर्टल वाइन, जो बेहद आसान है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगैन।